वेलकम फ्रेंड्स, आप एक छोटा सा मैंगो ट्री देख रहे हैं। इस 6 इयर्स मैंगो ट्री को हमने नेचुरली ग्रो किया है बालकनी में। ये एक बारहमासी आम की पेड़ है। एक बार आम पक जाए तो फिर दोबारा इसमें फूल आ जाता है। जिन जिन फ्रेंड्स को बहुत ही शौक है हॉर्टिकल्चर की और उनके पास अगर कोई टेरेस गार्डन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप बालकनी गार्डन कर सकते हो, जहाँ पर 4 to 5 आवर्स ऐसे सनलाइट आते हैं तो पॉट में फ्रूट ट्री सब लगा सकते हैं। इस मैंगो ट्री का सॉइल हमने कैसे रेडी किया है वो आज मैं बता रही हूँ। जैसे 50% आप गार्डन सॉइल ले लीजिएगा और 50% हमने पॉटिंग मिक्स को देकर इसको बनाया। पॉटिंग मिक्स में हमने क्या क्या मिलाया वो मैं कह रही हूँ। एक भाग इसके कोकोपीट मिलाया, एक भाग इसको लीप कंपोस्ट, एक भाग काव डंग कंपोस्ट, एक भाग बोन मिल और एक भाग नीम खली से इसको मिला के पॉटिंग मिक्स रेडी किया है। मैं इस मैंगो ट्री के ऊपर से कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक बार इसकी सॉइल की एक बार पीएच लेवल बिगड़ जाए तो मैंगो ट्री तो आपकी रह सकती है लेकिन इसके ऊपर जो मैंगो सारे झड़ जाएंगे। फूल आ सकता है लेकिन जो आम छोटा छोटा होएंगे तो फिर झड़ जाएंगे। इसीलिए सॉइल को मैं ऑलवेज ऐसे प्योर ही रखती हूँ और इसकी ऊपर कोई फंगस और जैसे एंट्स वगैरह लगते हैं वो नहीं लगेंगे अगर सॉइल आपके प्योर रहे तो। एक बार इसके फ्लावर खिलने के बाद आप इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो वो एंट्स वगैरह लग जाते हैं। ये अगर नीम ऑयल की स्मेल रहेंगे तो एंट्स चला जाएंगे। आप इसके पानी देख के दे, मतलब पानी आप ठीक से दे दे। विंटर के टाइम आप सॉइल इसको चेक कर लीजिए। विंटर के टाइम आप एक ही बार पानी दीजिए और गर्मी के मौसम में आप 2 बार इसको सुबह शाम पानी दे दीजिए। पानी ज़्यादा देने से क्या होता है, फूल आपका फूल से फल होते टाइम आपके झड़ जाएंगे। इसीलिए पॉटिंग जो सॉइल होता है, जो पॉट जो होता है आपका छोटा होता है, इसके लिए आप पानी ऑलवेज चेक करके दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।